हेलो एंड वेलकम दोस्तों। एशियन गेम्स में इंडिया का प्रदर्शन अब तक बहुत शानदार रहा है, चाहे वो वुमेन्स टीम का क्रिकेट में गोल्ड मेडल जीतना हो या पाकिस्तान को हर गेम में पीटना। टोटल मेडल की बात करेंगे तो अब तक 41 मेडल इंडिया ने जीत लिए हैं, जिसमें 11 गोल्ड हैं। और क्रिकेट टीम, मेंस क्रिकेट टीम, जिससे उम्मीद होगी कि वो भी गोल्ड मेडल की टैली में इजाफा करे, क्योंकि बेहतरीन टीम है, अच्छा एक्सपीरियंस है, युवा खिलाड़ियों का भी अच्छा मिक्सचर आप इस टीम में देखते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली टीम बिल्कुल ये मादा है कि आपको एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जिता सकती है, लेकिन उस 15 के लिए 11 क्या होनी चाहिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। और जो 11 खेलेगी उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम ओपनिंग से शुरू करें तो ओपनिंग एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ और दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल। आप देखिए, इस वक्त अगर सेकेंड स्ट्रिंग टीम के जो 2-3 खिलाड़ी हैं जिनको एज अ ओपनर कंसीडर किया जाएगा इंडिया की टीम में, तो उसमें ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल में पिछले कुछ सालों में एज अ ओपनर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, साथ में यशस्वी जायसवाल के लिए जिस तरह का सीजन गया है, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले बैट्समैन होंगे। बहुत छोटे ग्राउंड से वहां पर आपने देखा था अभी जिस तरह के रिकॉर्ड्स नेपाल की टीम ने बनाए थे, तो वो भी एक चीज रहेगी। और जो एबिलिटी उन खिलाड़ियों के पास है छक्के लगाने की, तो आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनते हुए भी देखेंगे। आईपीएल में यशस्वी जायसवाल ने फास्टेस्ट 50 बनाई थी, तो उस तरह के रिकॉर्ड्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोनों पेयर जो है, बेसिकली दोनों खिलाड़ी जो हैं, वो एक दूसरे को अच्छा कॉम्प्लीमेंट करने वाले खिलाड़ी हैं। शायद इस वक्त जो सेकंड स्ट्रिंग टीम है जिसमें ओपनर की रेस होगी, उसमें आप शुभमन गिल को और ऐड करें क्योंकि वो मेन टीम के साथ हैं, तो अभी जो दो बेस्ट अवेलेबल प्लेयर आपके लिए ओपनिंग के थे वो यही दोनों थे। प्रभसिमरन सिंह की बात जरूर होगी, अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छा किया है, लेकिन इन दोनों के मुकाबले जब आईपीएल के सीजन्स की बात आएगी तो बिल्कुल पीछे रह जाते हैं। लेकिन 3 नंबर एक डिबेटेबल चीज रहने वाली इस टीम में, क्योंकि राहुल त्रिपाठी भी हैं, प्रभसिमरन सिंह भी हैं और बहुत सारे लेफ्ट हैंडर हैं। अब ये डिसीजन बड़ा ट्रिकी होगा कि आप लेफ्ट हैंडर कितने खिलाएंगे अपनी 11 में, क्योंकि अगर आप देखें तिलक वर्मा भी हैं, रिंकू सिंह भी हैं, वाशिंगटन सुंदर भी हैं, शिवम दुबे भी हैं, तो 4-4 लेफ्ट हैंडर आप मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहेंगे, ये एक सवाल रहेगा। तो ऐसे में बीच में आपको एक राइट हैंडर और डालना पड़ेगा। अगर देखें राहुल त्रिपाठी वर्सेस प्रभसिमरन सिंह, करंट परफॉर्मेंस पे हर कोई कहेगा कि प्रभसिमरन सिंह, लेकिन राहुल त्रिपाठी का ओवरऑल एक्सपीरियंस और सारी चीजों को काउंट करें तो टीम मुझे लगता है कि ज्यादा इंक्लाइंड होगी कि वो राहुल त्रिपाठी को खिलाएं। और चूंकि ऋतुराज गायकवाड़ और राहुल त्रिपाठी सेम जगह से भी आते हैं, एक दूसरे की क्रिकेट को भी बेहतर समझते हैं, तो शायद आप राहुल त्रिपाठी को खेलते हुए देखें, लेकिन मेरी 11 में मैं शायद रखना चाहूंगा 3 नंबर पर प्रभसिमरन सिंह को, क्योंकि उनके पास वो एबिलिटी भी है कि आप अगर उनको 3 नंबर भी खिलाएंगे तो 3 नंबर पर भी वो बल्लेबाजी खेल सकते हैं और स्पिनर्स को भी बेहतर खेलते हैं। जितना बेहतर वो फास्ट बॉलर्स को खेलते हैं उतना ही बेहतर वो स्पिनर्स को भी खेलते हैं। उसके बाद 4 नंबर की बात की जाए और 4 नंबर पर तिलक वर्मा, इंडियन टीम के लिए भी 4 नंबर खेल चुके हैं और पिछले कुछ वक्त में इस खिलाड़ी का प्रोग्रेशन बहुत कमाल कर रहा है, वर्ल्ड कप की रैंकिंग में भी थे, लेकिन एशियन गेम्स में इंडियन टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। नंबर 4 की बात जब आएगी, और यहां पर अगर देखेंगे कि इस टीम में बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी गेंदबाजी, यशस्वी जायसवाल की गेंदबाजी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि जिस तरह का टीम का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, 6 गेंदबाज की भूमिका आपके लिए तिलक वर्मा और साथ में यशस्वी जायसवाल निभा सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर पर यहां पर शिवम दुबे और रिंकू सिंह के बीच में तगड़ी रेस होगी कि दोनों में से किसको चुना जाना चाहिए। शायद टीम इंक्लाइंड हो शिवम दुबे का एक्सपीरियंस और साथ में थोड़ा बहुत गेंदबाजी जो करके दे सकते हैं उस वजह से, लेकिन आई विल पिक रिंकू सिंह एट नंबर 5 इन माय टीम। उसके बाद फिनिशर की बात जब आएगी तो अगेन शिवम दुबे फिर उस रेस में रहेंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि जितेश शर्मा ने जो रोल स्पेसिफिक क्रिकेट हाल फिलहाल जिस तरह से खेल के दिखाई है तो तगड़े कंटेंडर है मेरी नजर में। और ये टूर्नामेंट आप जीतने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूर ही देख रहे हैं, लेकिन वो खिलाड़ी जो रोल बहुत अच्छा स्पेसिफिकली खेलते हैं, डाउन द ऑर्डर फिनिशर की बात अगर की जाएगी और विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं, तो जितेश शर्मा टीम में ज्यादा वैल्यू लेके आ सकते हैं मेरी नजर में 6 नंबर पर। अगर बात की जाए शिवम दुबे की तो उनसे आपको गेंदबाजी मिलेगी, बल्लेबाजी में शायद उतना श्योर नहीं होंगे कि नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सीएसके की टीम ने उनको डिफरेंटली यूटिलाइज किया
किया था और सडनली इस साल के आईपीएल के सीजन के बाद ही उनकी रेपुटेशन चेंज हुई है। तो उस तरह की डिलीवरी जब इंडियन टीम में खेले थे आयरलैंड टूर पर तो उतनी बेहतर उनसे देखने को नहीं मिली थी। तो जितेश शर्मा मेरे लिए नंबर 6 के प्लेयर होंगे। नंबर 7 वॉशिंगटन सुंदर, जो इंडिया की वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन यहां पर नंबर 7 पर बल्लेबाजी और साथ में उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और वॉशिंगटन सुंदर एज अ बॉलर अगर आप देखें, पिछले कुछ वक्त में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। आपको याद होगा कि अभी जब आईपीएल खेल रहे थे तो बहुत एक्सपेंसिव रहे थे 2-4 मैचेस जो उन्होंने खेले थे, और उसके अलावा आप देखें कि इंजरी बार बार उनको लगातार हो रही थी। और पिछले 2-3 सीजन से अगर आप आईपीएल में देखेंगे वॉशिंगटन सुंदर को तो बहुत एक्सपेंसिव जा रहे हैं, ना विकेट मिल रहे हैं, पिटाई भी बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन उसके बाद वापस आकर के इंजरी के बाद उन्होंने जो गेंदबाजी टीएनपीएल में की थी, उसके बाद उन्होंने देवधर ट्रॉफी में कुछ मैचेस खेले थे वहां पर जो गेंदबाजी की थी 50 ओवर क्रिकेट में, फिर उन्होंने अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के एक गेम में गेंदबाजी की है, तो कुछ कुछ इंप्रूवमेंट उनकी गेंदबाजी में देखने में जरूर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि वो यहां पर कैसी गेंदबाजी करते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर बात की जाए तो अगली जनरेशन के T20 स्पिनर फॉर श्योर। वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट कितना खेलेंगे मुझे पता नहीं, बट T20 क्रिकेट में फ्यूचर ब्राइट है फॉर रवि बिश्नोई, और यहां पर भी उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा एज अ विकेट टेकर और साथ में जो टाइट लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं। सो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में लेग स्पिन जिस तरह से चलती है उसको बिल्कुल समझते हैं और उसी तरह से गेंदबाजी करते हैं, तो रवि बिश्नोई भी इंपॉर्टेंट रोल इस टीम में अपनी गेंदबाजी से प्ले करेंगे, शायद विकेट टेकर के रूप में और चेक कंटेन करने की भी बात आए, तो दोनों तरह से गेंदबाजी करते हैं। ये खास चीज है, जनरली आप लेग स्पिनर के साथ देखते हैं कि वो विकेट्स लेते हैं लेकिन एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन रवि बिश्नोई हैं, राशिद खान हैं या कुछ इस तरह के स्पिनर्स हैं जो विकेट्स भी लेते हैं और इकोनॉमिकल भी रहते हैं। ये बड़ी रेयर चीज आपको देखने को मिलती है लेग स्पिनर। तो लेग स्पिनर के साथ टेक्निक्स थोड़ी सी बदल गई है T20 क्रिकेट में गेंदबाजी करने की बात जब होती है, तो उसी तरह के गेंदबाज आप कहेंगे रवि बिश्नोई को। उसके बाद 3 तेज गेंदबाज कौन से होंगे, जिसमें एक तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह, जो मेन टीम के भी मेन तेज गेंदबाजों में से एक है, तो उन्होंने भी एज अ बॉलर एज अ फास्ट बॉलर बहुत इंप्रूवमेंट पिछले 2 साल में दिखाई है, तो यहां पर उनके ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस फास्ट बॉलिंग अटैक को लीड करने की भी, क्योंकि सीनियर टीम में वो लगातार खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जितने भी तेज गेंदबाज यहां पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे उन सब में नंबर ऑफ मैचेस के मामले में सीनियर तेज गेंदबाज होंगे, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, नई गेंद करेंगे ऑब्वियसली अच्छी करते हैं, डेथ का जिम्मा भी उनके ही सर होगा, वो गेंदबाजी भी। उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आवेश खान, बिकॉज आप देखें जो फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस हैं उसमें आवेश खान है, मुकेश कुमार है और आकाशदीप है, तो फास्ट बॉलिंग थोड़ा उतना बेहतर नजर नहीं आ रही है जितना शायद आप एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन जो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं तो मुझे लगता है कि आवेश खान ने भी रिसेंट में अच्छा गेंद डाला है, रणजी ट्रॉफी से लेकर के आईपीएल से लेकर के अब तक जो भी क्रिकेट उन्होंने खेली है वहां पर अच्छी गेंदबाजी आवेश खान से देखने को मिली है। तो 1 साल पहले T20 क्रिकेट में जो आवेश खान को लेकर के निगेटिविटी थी या जिस तरह की परफॉर्मेंसेज उनसे देखने को मिली थी उस दौर में, उससे मुझे लगता है कि काफी इंप्रूव होके एज अ फास्ट बॉलर आवेश खान आए हैं, और उम्मीद की जाती है कि इन एशियन गेम्स के मैचेस में आवेश खान गेंदबाजी से अपना लोहा मनवाएंगे। उसके बाद तीसरा तेज गेंदबाज चुनने की बारी जब आएगी तो बंगाल के ही 2 तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और आकाशदीप, इनमें से एक को चुनना पड़ेगा। मुकेश कुमार चूंकि अभी हाल फिलहाल क्रिकेट खेले भी हैं, फ्रेंचाइजी के लिए भी अपनी क्रिकेट खेले थे दिल्ली कैपिटल्स के लिए, तो कुछ चीजें तो फॉर श्योर बेहतर करते हैं, लास्ट में आके अगर लगातार यॉर्कर मारनी हो वो उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए करके दिखाया, नई गेंद बेहतर कर सकते हैं क्योंकि गेंद हिलाने की काबिलियत उनके पास है, तो फेजेस में अगर देखें तो गेंदबाजी उन्होंने अच्छी करके दिखाई है, चैलेंजेस जरूर रहेंगे उनके लिए मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करना या वो करना, बट ये डिपेंड करेगा कि कप्तान उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उनको कब और कैसे यूटिलाइज करता है। ऑल एंड ऑल इंडिया की टीम बेहतर दिख रही है, चूंकि पहले इस टीम में शिवम माबी थे तो 8 नंबर पर बल्लेबाजी भी आपको मिल जाती थी, लेकिन इस टीम में आपकी बल्लेबाजी जो है वो 7 नंबर पर आकर के खत्म हो जाती है, लेकिन स्टिल आपके पास अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे 5 गेंदबाजों के ऑप्शन आपके पास हैं, और पार्ट टाइमर के रूप में तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल को आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑल एंड ऑल अच्छी टीम है, पहला मैच शायद बड़ा चैलेंज नहीं होगा, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल आई थिंक कुछ
टक्कर देने वाली टीमें आपके सामने हो सकती है। तो नॉकआउट है, तीन के तीनों मैचेस जीतने हैं अगर इंडियन टीम को गोल्ड मेडल जीतना है। तो दोस्तों ये है ओवरऑल मेरी टीम, आपकी टीम क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।